नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में स्वागत है। आज हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे प्रत्येक प्रश्न को देखने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और अपने स्तर पर उसका उत्तर ढूंढिए और उसके बाद हमारी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अपने उत्तर से हमारे उत्तर का मिलान कीजिए। इस तरीके से ही आपकी हिंदी और अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। किस में अभिधेयार्थ को महत्व दिया जाता है? तो यहाँ अभिधेयार्थ को महत्व, अभिधेयार्थ का मतलब होता है अभिधेय के अर्थ को, अभिधेय के अर्थ को महत्व दिया जाता है तो वो होता है लोकोक्ति में, ये आप ध्यान रखिए। और लोको अभिधेयार्थ का मतलब होता है कि जो वाक्य आप कह रहे हो, जो अभिधेय आप कह रहे हो, उसके शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, उसके अर्थ पर आपको जाना है, उसके अर्थ का महत्व है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकोक्ति के अर्थ पर अर्थ का ही महत्व होता है। जैसे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एक लोकोक्ति है। तो यहाँ पर ना चने की बात हो रही है और ना ही भाड़ की बात हो रही है, यहाँ पर वो समझाना चाह रहा है, व्यक्ति जो भी आपको ये लोकोक्ति देगा वो ये समझाना चाह रहा है कि आप अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकते, आपको उस कार्य को करने के लिए और भी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, अब तुम जाओ वाक्य है। तो ये जो वाक्य है ये विधानवाचक वाक्य है, या ध्यान रखिए। ठीक है ना, ये अब तुम जाओ जो है वो एक विधानवाचक वाक्य है, सॉरी ये है आज्ञावाचक वाक्य है ना। वो कह रहा है आपसे कि अब तुम चले जाओ, यानी कि वो आपको आज्ञा दे रहा है, तो ये जो है वो आज्ञावाचक वाक्य है। मैं अन्य के बारे में भी आपको बता देना चाहूँगा, इच्छावाचक वाक्य वो है जिसमें उसकी इच्छा परिलक्षित हो, जैसे कि भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छावाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य वो है जो नियमानुसार बात करे, जो ऐसी बात करे जिसको टाला नहीं जा सके, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है, ये कभी असत्य नहीं हो सकता। संकेतवाचक वाक्य वो है जिसमें वो व्यक्ति किसी बात की ओर आपका संकेत कह रहा हो। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी सेट के अंतर्गत अगले क्वेश्चंस में या लास्ट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अगर आप इसकी अच्छी से डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती है तब वहां क्या होता है? समास होता है या संधि होती है या शब्द बनता है? तो यहाँ इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब दो ध्वनियां आपस में मिलती है तो वहां क्या होता है? संधि होती है। ध्वनियों का अर्थ होता है अक्षर। मैंने आपको कहा है कि जहां दो अक्षरों का मिलन होता है, जहाँ दो वर्णों का मिलन होता है, अक्षर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वर्ण के बारे में मैं आपको हर बार बताता हूँ, वर्णों का मिलन जो होता है वो संधि कहलाती है, ध्वनियों का अर्थ जो होता है वो वर्ण ही होता है। ठीक है, और जहाँ दो शब्दों का मिलन होता है वहाँ पर समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही शब्द है। तो यहाँ जो तीन शब्द दे रखे हैं, स्तोत्र, स्त्रोत और स्त्रुति, यहाँ आपको अगर आपने स्तोत्र के बारे में सुना नहीं होगा तो यहाँ आपको तीनों गलत लग रहे होंगे, जबकि वास्तविकता में यहाँ जो स्तोत्र है वो सही है। आप इसको स्त्रोत समझने की भूल मत कीजिए, स्त्रोत जो है वो अलग शब्द है, ये स्त्रोत नहीं है, ये स्तोत्र ही है। यहाँ जो स्त्रोत्र स्तोत्र लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ मैं आपको बता दूँ, इसका अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में किसी देवी देवता की स्तुति में जो काव्य रचना होती है उसे स्तोत्र कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिए। ये वर्ण आपके लिए हो सकता है, ये शब्द आपके लिए हो सकता है नया हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का तात्पर्य है। लोकोक्ति के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पहले ही प्रश्न में हमने चर्चा की थी, लोकोक्ति के अंतर्गत अभिधेय के अर्थ का जो है वो महत्व होता है, इसके शब्दों से कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, अर्धजल गगरी छलकत जाएगा? तो यहाँ जल का कोई अर्थ होगा ही नहीं, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होगा
कि अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दिखावा करता है, ये आप ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, राधा का भाई आने वाला है, ये वाक्य है। तो ये जो है ये विधानवाचक वाक्य है, ठीक है ना। ये डेफिनेटली सत्य वाक्य है कि राधा का भाई जो है वो आने वाला है, तो यहाँ जो है ये विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, निम्नांकित में सही वाक्य है ईश्वर। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा आप इस पर विचार करें, ये आपका सही वाक्य है। बाकी तीनों वाक्यों की गलती भी मैं आपको बताऊंगा। ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ अनेकों की जगह अनेक आएगा। आपका भवदीय, यहाँ सिर्फ भवदीय से ही काम चल जाएगा, आपका जो है वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। ग्राहक लापरवाह हो जाती है, यहाँ जाती है जो है वो गलत है, ठीक है। चौथा जो है वो सत्य है, आप इस पर विचार करें, ये जो है वो सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भवदीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता है कि जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या विशिष्टता ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ सामने दिख रहा है कि यहाँ ई प्रत्यय है। अब यहाँ ई में भी दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए। यहाँ ई में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी मात्रा, यानी कि यहाँ बड़ा ई जो है वो प्रत्यय होगा, ई जो है ये प्रत्यय है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिए, मुहावरा अगर है वो अरबी भाषा का शब्द है। ये इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मुहावरा शब्द है संस्कृत, सॉरी तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मुहावरा जो है वो विदेशी शब्दों में आता है, और विदेशी में भी कौन सी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। और सभी तत्सम तद्भव अभी जो मैंने नाम लिए हैं उनकी डेफिनेशन में ने हर वीडियो में आपको बताई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको वो सारी डेफिनेशंस अच्छे से याद होगी, इसलिए मैं आपको आज रिपीट नहीं करवाऊंगा। निम्नांकित में सही वाक्य है, तो यहाँ पर देखते हैं, प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ की रचना की, ये जो है ये सही वाक्य है। बाकी के तीनों को भी देख लेते हैं कि इनमें क्या गलतियाँ हैं। तो इसमें प्रेमचंद ने गोदान नामक ग्रंथ को बनाया, ये बनाना गलत बात होती है, यहाँ बनाना जो लिखा है वो गलत है। निर्माण किया, यहाँ भी वही गलती। सृष्टि की, ये भी वही गलती। इसीलिए जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही अपना करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, संकेतवाचक वाक्य से क्या होता है। तो संकेतवाचक वाक्य का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी डेफिनेशन जो है वो हमको इस लाइन और लाइनों से हमको पता चलेगी। तो यहाँ होता है एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का जब बोध होता है ना, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। या ध्यान रखिए, संकेतवाचक वाक्य कहाँ होता है, जब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, वहाँ पर होता है संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। यानी कि एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, ठीक है ना। यदि वह आएगा तब हम साथ बाजार घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर वो आया, ठीक है ना। ये जो क्रिया हुई आना, और इसके ऊपर ही जाना वाली क्रिया जो है वो निर्भर कर रही है, ठीक है। तो जब एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर करती है, तब वहां क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है। यहाँ पर अब इस बार सही वाक्य नहीं ढूंढना है, यहाँ गलत वाक्य ढूंढना है। यहाँ गलत वाक्य है, वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, ये जो है ये गलत वाक्य है। अब यहाँ देखते हैं, अदर की चर्चा करते हैं। अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने, यहाँ कू लिखा हुआ है ना, ये प्रिंट नहीं हुआ है, मुस्कुराने लगे, ये जो है ये सही। ईश्वर आपका भला करे, ये भी सत्य है। ओह तुम कल जाओगे, यह भी सत्य है। वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, इसमें गलत क्या है, लिपि जो है वो हिंदी नहीं होती, लिपि जो होती है वो देवनागिरी होती है। हिंदी जो है वो देवनागिरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी जो होती है वो भाषा होती है, ठीक है ना। वह ग्रंथ हिंदी भाषा में है, ऐसा लिख सकते हैं, या वह ग्रंथ देवनागिरी लिपि में, या किसी अन्य लिपि का भी आप नाम ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है अलग नहीं।
तो यहाँ मैंने आपको कल ही बताया था कि मुहावरे का प्रयोग जो है वो वाक्य के प्रसंग में, प्रसंग का अर्थ वाक्य के साथ में ही होता है। मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो वाक्य के साथ में ही होता है, यह ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का आशय है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का आशय है। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, सॉरी, आज की सीरीज करेंगे हम यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।